जय श्री राम एवरीवन। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। मंच पर आसीन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। प्रत्यक्ष गुरु भी मेरे यहाँ पर मौजूद है और अप्रत्यक्ष भी, जिनसे डायरेक्टली पढ़ने का मौका नहीं मिला लेकिन उनकी किताबें बहुत पढ़ी हैं, लेख बहुत पढ़े। प्रदीप सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने जैसे कहा था शुरुआत करता हूँ। ये नीति शतकम का एक श्लोक है। तो हुआ क्या कि ब्रिगेडियर सर ने बताया कि विपरीत राजयोग पर आपको बोलना है और फोन आया उनका, और मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो दिल्ली की मानसिकता है कि शुक्रवार की रात को समय मिलेगा, शनिवार को देना है, हम कर लेंगे आराम से। कल जो कार्यक्रम की रूपरेखा आई उसमें बाई चांस नाम नहीं था, हो जाता है, तो वो नहीं था तो मुझे बड़ी खुशी मिली। मैंने चलो भाई बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि जो फायदा बुद्ध बनकर ज्ञान लेने में है इतने गुरुजनों से, वो गुरु बनकर ज्ञान देने में नहीं आता है। तो अगर आप वहां बैठकर सुन रहे होते हो तो आप बड़ा कुछ सीखते हैं, यार आज नया सीखा, आप गुप्त विद्या होती है जैसे चिंतक सर बता रहे थे, या ऐसे और प्रकट विद्या को पणफल से देखते हैं, तो वो एक उसका अलग आनंद आता है। और यहाँ पे बोलने में बड़ा डर लगता है, वो भी जब गुरुजन सामने हो। ये श्लोक अगर मैं इसकी हिंदी आपको दिखाऊं, क्योंकि श्लोक नहीं पढ़ूंगा, परविंदर सर ने अभी बताया गलत श्लोक। हाँ जी, विभूषण मौनम पंडितानाम, उन्होंने कहा वो श्लोक हिंदी में, मतलब संस्कृत गलत पढ़ते तो पाप लगता है, तो ना मैं उनको सुनाकर उनको पाप चढ़ाऊंगा ना खुद इसके बारे में बोलूंगा। आगे मैं आपको दिखाता हूं इसका अर्थ क्या है। हाउ इज इट वर्क? पंडित वही चुप रहे। हाँ। मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाने के लिए ब्रह्मा ने मौन धारण करने का एक अच्छा उपाय बताया है, वह उनके अधीन भी कर दिया। मौन मूर्खता का ढक्कन है, जब तक चुप रहते हो सामने वाला आपको बड़ा विद्वान समझता है, जब आप बोलना चालू करते हो तो सामने वाले को पता लग जाता है आप कहाँ स्टैंड करते हो। इतने बड़े गुरुजनों के आगे, विद्वानों की मंडली में तो विभूषण ही मौन है, शांत रहो, सुनते रहो और चुपचाप चले जाओ। खैर, अब मैं इसको तो फॉलो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आदेश था ब्रिगेडियर सर का। विपरीत राजयोग, अभी जैसे 6, 8, 12 की इतनी तारीफें, और तारीफें ही हुई, बुराई कुछ नहीं खास हुई। बुराई तो हम क्लास में करते, प्रवीण में करते हैं कि 6, 8, 12 खराब है, पर अभी अगर हमने आपने जितना सुना है, परविंदर भाई की बात मुझे याद आ रही है कि 6ठा भाव जो है वो क्या कहते हैं, कंपटीशन के लिए। अगर आप भारत में पैदा होते हैं और आप कुछ भी करने को जाते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर, और इफ़ यू वांट टू कम्पीट फॉर UPSC एग्जाम, इफ़ यू वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, यू नीड टू, यू हैव टू यू नो स्ट्रगल इन योर लाइफ। तो 6th हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, अब उसको बुरा कैसे कह दे? वही PR के लिए कितने कॉल्स आते हो, आपके पास भी आते होंगे, सर कनाडा के लिए पता करना है, कनाडा मेरा सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ मैं रह पाऊंगा, तो 12th हाउस भी इम्पॉर्टेंट है। तो विपरीत राजयोग की जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम किस एरा में देख रहे हैं और उसको कैसे फलित करना चाहिए, कैसे उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे केवल 4 प्रिकॉशन बताने वाला हूँ जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया जब मैं विपरीत राजयोग का फलित कर रहा था। पढ़ते वक्त तो बड़े अच्छे लग रहे थे, समझ भी सब आ रहा था, लेकिन जब कुंडली पर लगाया तो लगा अब तो फंस गए, मतलब उत्तर वैसा नहीं मिला जैसा एक्सपेक्टेड था। क्या है वो, उसके बारे में बात करूं उससे पहले 1-2 लाइनें और। बुरे भाव और अच्छे भाव, ये जो क्लासिफिकेशन है गुड हाउस और बैड हाउस की, हम चारी सर से बहुत डांट खाते थे। रीजन ये था, चारी सर कुंडली पत्रिका लगाते और हमसे पूछते कि बताओ इसके बारे में, तो बोलते जैसे हमने कहा सर लग्नेश अष्टम में गया है बहुत बुरा है, तो बोलते क्या बुरा है, फलित करो बताओ इसके बारे में, इसको कैसे बुरा कहोगे। तब हमें समझ में आता कि अच्छा नहीं, अच्छा बुरा नहीं कह सकते, हर भाव की अपनी सिग्निफिकेशन है, इट कुड बी गुड इट कुड बी बैड डिपेंडिंग अपॉन क्वेरी, आप क्या पूछ रहे हैं उससे, क्या पता उसे 8 का ही फायदा चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट पैटर्नल प्रॉपर्टी, तब हमें अष्टम भाव बड़ा अच्छा नजर आने लग जाता है। अभी कंपटीशन की बात हुई या कंट्री की बात हुई, तो कोई भी भाव बुरा या अच्छा नहीं है, ना ही कोई राशि बुरी या अच्छी। मैं 2 छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। धनु लग्न में लग्नाधिपति अष्टम में उच्च का हो जाता है, तो स्टूडेंट सवाल पूछते प्रवीण में, सर मेरा लग्नेश उच्च का है, मेरा धनु लग्न है,
क्या मैं इसे अच्छा मानूं क्योंकि ये अष्टम भाव उच्च का बैठा है, या बुरा मानूं क्योंकि ये एट्थ हाउस में। अब ये दोनों चीजें हमें साथ लगानी है। अब फर्क क्या है, आपकी तासीर या आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है, उसके अनुरूप कोई भी भाव शुभ या अशुभ हो सकता है। उदाहरण के लिए शुक्र के दोनों लग्नों पर ध्यान दीजिएगा, वृषभ पर भी तुला पर भी। दोनों लग्नों में लग्नाधिपति छठे में जाके या तो उच्च का होता है या स्वराशि का होता है, कहीं पर भी वो अफ्लिक्ट या शत्रु राशि में नहीं होता, जो अगर हम राशि के आधार पर है। इसका अर्थ यह है कि हमें बड़े ध्यान से देखना है कि जातक जीवन से चाहता क्या है। धनु वाला अगर अध्यात्म की तरफ बात करता है तो वही अष्टम भाव बहुत अच्छा है। तो लग्न जो है वो आपके जीवन का उद्देश्य बताएगा, और ग्रहों की स्थिति उस उद्देश्य को पाने में आप कितना वो सहायक है या विधि कितना उसमें विरोध पैदा कर रही है वो आपको पता लगेगा ग्रहों की स्थिति के अनुरूप। आगे बात करते हैं। एक और, हर्ष सरल विमल, ये होते हैं विपरीत राजयोग, हमने पढ़े हैं, फल दीपिका में दिया है और जगह भी लिखा हुआ है। पर पूरी पिक्चर देखे बगैर, पूरा शुरू से आखिर तक देखे बगैर हमें इन योगों का फलित नहीं समझ में आता। जैसे वो आधी पिक्चर मूवी अगर बीच में से देखें तो यही लगता है कि पता नहीं लगता कौन सा कैरेक्टर ग्रे है, कौन सा वाइट है, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। उसी तरह ये जो योग है विपरीत राजयोग, वो इसका भाग है, चामर योग और अवयोग। अब ये क्या है, फल दीपिका योग अध्याय कहता है, अध्याय 6 है शायद, कि यदि लग्नाधिपति केंद्र त्रिकोण में शुभ यानी बली अवस्था में बैठा हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, और लग्न पर शुभ प्रभाव हो, तो व्यक्ति की कुंडली में चवर योग होता है, जिसको अंग्रेजी में चामर योग लिखते हैं। चवर, चवर डुराते हैं राजा के महाराजा के यहाँ पर, तो कहा गया कि उनको उपाधि मिलती है। और ये समझने में मुझे नहीं लगता कि प्रवीण के छात्रों को भी दिक्कत आती होगी कि लग्नेश है, बली होगा तो रिजल्ट देगा, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अवयोग के बारे में कहते हैं कि जब लग्नेश 6, 8, 12 में अफ्लिक्टेड अस्त पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो अवयोग होता है, जो बहुत बुरा है लगन से जुड़ी सिग्निफिकेशन के लिए। जब आप इस पूरी सीरीज को पढ़ रहे होते हैं तो बीच में कहीं आता है छठे भाव का जिक्र, छठे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, छठे भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बलि बैठा हो, तो आपकी कुंडली में योग बनता है अस्त्र योग। सेम कंडीशन अगर अष्टम पे लगाते हैं और अष्टम का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बलि बैठा है और उस पर शुभ भावों की दृष्टि है, तो नाम आया असुर योग। अब आप सोचिए, असुर योग, शुभ ग्रहों की दृष्टि, उसके बलि होने पर हम कह रहे हैं असुर योग बन रहा है, और वहीं पर जब उसको कमजोर किया गया, कहा गया वो 6, 8, 12 में बैठे, वो पीड़ित बैठे, तब बनेगा आपकी कुंडली में हर्ष विमल और सरल राजयोग। तो खाली इतनी बात नहीं है कि 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ गए तो अब आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अंटिल अनलेस दे आर अफ्लिक्टेड देयर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में लिखा है चैप्टर 6 में। जल्दी आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंटेंट है फिर वो छूट ना जाए। तो चार बातों के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो जो अभी मैंने बोली उसी से जुड़ी है, दुस्थान आधिपति की दुर्बलता। अगर 6, 8, 12 के स्वामी पीड़ित नहीं है, सिर्फ वो 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो वो विपरीत राजयोग काउंट नहीं करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, और जैसे मैंने कहा गोपेश कुमार ओझा जी की किताब, मंत्रेश्वर जी की बुक क्षमा कीजिएगा, उसमें फल दीपिका में बताया गया है। अब जैसे उदाहरण के लिए कुंडली देखिएगा, यहां पर छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में शनि विराजित है, कहने के लिए हर्ष राजयोग बनता है 6th लॉर्ड पोजिटेड इन द 12th भाव, पर उस पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है गुरु शुक्र की, और वो शनि वक्री है, चेष्टा बल के साथ है। अष्टम द्वादश अधिपति की बात करते हैं, द्वादश अधिपति सूर्य बनता है इस कुंडली में, वो अष्टम में है, विमल राजयोग बनाता है, लेकिन अष्टम में उच्च का और अगेन 2 शुभ ग्रहों के साथ। क्या इसे मैं विपरीत राजयोग काउंट करूं, तो बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं, मुझे परिणाम नहीं मिले, ऐसे तो नहीं बोलूंगा, इसमें तो अहम दिखता है, लेकिन मैंने इसका परिणाम नहीं देखा कि भाई जहां पर वो बलि हो गए तो वहां पे आप विमल राजयोग या सरल वगैरह की अपेक्षा ना करें, नहीं मिलता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा है लग्न का बल। अब भोग करने वाला ही अगर कमजोर है तो कुंडली में कितने ही राजयोग क्यों ना हो जाए, उसका परिणाम नहीं मिलता।
जैसे एक वृद्ध व्यक्ति के आगे जिसके दांत नहीं हो, आप 56 भोग परोस दे और कहें खाइए, या डायबिटिक पेशेंट के आगे आप अपना अच्छा से स्वीट्स सजा दें, तो कोई फायदा नहीं है। तो लग्नेश का बलि होना बहुत आवश्यक है, केवल इस योग के लिए नहीं, कोई भी राजयोग हो सब पर अप्लाई होता है। इस कुंडली में जैसा आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में नीच का बैठा है, द्वादश अधिपति अष्टम भाव में उच्च का है, और लग्नेश दोनों के साथ अष्टम में शत्रु राशि का है। ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे इससे विपरीत राजयोग की अपेक्षा करें तो अगेन ये गलत होगा, क्योंकि लग्नाधिपति पीड़ित हो रहा है अष्टमेश षष्ठेश और द्वादशेश के द्वारा अष्टम भाव में, दोनों के द्वारा वो पीड़ित हो रहा है, तो इसको हम उसमें काउंट नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकली। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दुस्थानाधिपति का स्वामित्व। इसके बारे में बात करने से पहले कुंडली पर बात करते हैं। ये पत्रिका आती है, छठे भाव का स्वामी गुरु नजर आता है, अष्टम में दिखता है। व्यक्ति आके कहता है सर मेरी कुंडली में कौन सा अस्त सॉरी हर्ष विमल हर्ष राजयोग है, ठीक है जी, तो इसका क्या फल मुझे मिलेगा, क्या मेरी अपेक्षा होनी चाहिए, क्या इस कुंडली में अष्टम आदि छठे का स्वामी अष्टम में जाने की वजह से हमें खुश होना चाहिए, या नवम अधिपति का अष्टम में पीड़ित होने की वजह से दुखी होना चाहिए। मैं दोबारा अपनी क्वेरी रखता हूं कि ये नो डाउट ये सिक्स लॉर्ड है, आप कह सकते हैं इसमें सो कॉल्ड हर्ष योग बन रहा है, पर इसमें भाग्य अधिपति भी अष्टम भाव में पीड़ित हो रहा है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड, क्योंकि ये जो 6, 8, 12 के स्वामी है इनकी दूसरी राशि कहाँ पड़ती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुंभ लगन में अगर शनि 6, 8, 12 में पीड़ित हो, आप कहें जी मेरा 12वें का स्वामी 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग बना रहा है, तो भाई वो आपका लग्नेश है, लग्नेश के पीड़ित होने पे आप खुश होंगे कि मेरी कुंडली में विपरीत राजयोग है, तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है। तो अगर वो अच्छे घर को ओन करता है, त्रिकोण अधिपति बनता है कोई ग्रह, तो हमें इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए, जैसा कि ये चार्ट आपके सामने है उसमें हमने देखा। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, ये लाइन आपने सुनी होगी, सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। बात सही भी है, अष्टम अधिपति का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अपने आप में एक लग्न है। सुदर्शन पद्धति के बारे में हम बात करते हैं कि हमें कुंडली लग्न से सूर्य से चंद्रमा से देखनी चाहिए। ऐसे में अगर सूर्य चंद्रमा अष्टमेश हो भी जाए, इन दैट केस टू इट शुड हैव सम स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके मन का और आत्मा के कारक अगर कमजोर हो गए तो वो कुंडली अच्छी नहीं कहलाएगी। अब ये कुंडली देखिएगा, इस जातक का अष्टम अधिपति, इस जातक का अष्टम अधिपति द्वादश में राहु केतु एक्सेस में है, शनि के द्वारा दृष्ट है, और ये जातक कहता है सर अष्टमेश द्वादश में पीड़ित है, आपने कहा था सरल विपरीत राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, क्योंकि आपने तो पढ़ाया है पीड़ित होना चाहिए, तो पीड़ित भी है, पर यहाँ पे मन का कारक अगर चंद्रमा आपका पीड़ित हो रहा है, तो ये विपरीत राजयोग की तरह ना देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका एक लग्न पीड़ित हो रहा है, चंद्र कुंडली पीड़ित हो रही है, मानसिक स्थिति आपकी अगर दूषित हो रही है, तो वो उसको हम अच्छा नहीं काउंट करेंगे। तो ये चार चीजें जो मैंने अभी बताई कि स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है, लग्न को देखना है, इसके बाद ही अगर हम फलित करें तो परिणाम सही रहेगा, अन्यथा परिणाम हमें कहने के लिए विपरीत राजयोग होंगे पर उसका परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। ये आगे मूव क्यों नहीं कर रहा सर? इस पत्रिका में भी वैसा ही स्थिति है, द्वादश अधिपति है, चंद्रमा छठे भाव में गया है, शनि की दृष्टि आ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, और जातक कहता है मेरी कुंडली में विमल विपरीत राजयोग है, तो ये विपरीत राजयोग यहाँ पे फल देने में सक्षम नहीं है, चंद्रमा पीड़ित कुंडली कहलाई जाएगी, ये ना कि विमल विपरीत राजयोग वाली। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि विपरीत राजयोग अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत गिनी चुनी कुंडलियों में ही मिलेगा। और अब मिल जाता है तो एक प्रश्न और आता है, जल्दी जल्दी कवर कर लूं सर के कहने से पहले, कि अब ये विपरीत राजयोग का फल कब मिलेगा, है मेरी कुंडली में विपरीत राजयोग, तो अब मैं कब कब उसको भोगूंगा, जीवन के किस एरा में वो टाइम आएगा, क्या तब जब वो ग्रह जो नीच का या पीड़ित हो रहा है उसकी खुद की दशा में,
रिपीट माई सेल्फ, एक अगर छठे का स्वामी 6-8-12 में पीड़ित है और छठे के स्वामी की दशा आ गई तो क्या विपरीत राजयोग मिलेगा? तो जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा उसमें मैंने ये देखा कि नहीं, तब नहीं, आप जब पीड़ित करते हो किसी ग्रह को तो एक नैसर्गिक कारक को पीड़ित करते हो। अभी थोड़ी देर पहले शेफाली जी बता रही थी शुक्र भोग का कारक है, बुद्ध बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। आपने अगर 6-8-12 का स्वामी बना के उसे पीड़ित करके विपरीत राजयोग बन भी गया तो आपका वो कारक तो पीड़ित कहलाएगा ही, जो कि शुभ नहीं है। मैंने फल कब देखा? जब जो ग्रह पीड़ित हो रहा है उसके नक्षत्र अधिपति की दशा चल रही। अगर अष्टम अधिपति पीड़ित है 6-8-12 में और हमारी कुंडली में वो विपरीत राजयोग की बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसके अधिपति की दशा विपरीत राजयोग देती है, ना कि उस ग्रह की। तो कई बार उम्मीदें बन जाती है कि अब ये आ रहा है आपका विपरीत राजयोग फलीभूत होगा और जब परिणाम नहीं मिलता तो फिर परेशानी आती। तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि विपरीत राजयोग इतना बुरा नहीं है, जो उसकी कंडीशन है उसको देखकर लगाना है। दूसरा आपको ये देखना है आप किस एरा में लगा रहे हो, जहाँ पे पीआर की बात होती है, पैटर्नल प्रॉपर्टी की बात होती है, जहाँ पे कंपटीशन इनएविटेबल है, आप हटा नहीं सकते, तो वहां पे यही 6-8-12 भाव काम आते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, समय कम है, फिर कभी मिलते हैं। जय श्री राम। थैंक यू। थैंक यू नितिन फॉर टाइमली कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम।